से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सोना चांदी के दुकानदार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बेखौफ अपराधियों ने चाकू मार लूट की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिवान के बिलहट्टा पोखरा निवासी मोनू कुमार सोनी वैशाखी से दुकान बंद कर अपने घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सराय ओपी थाना क्षेत्र के महापुर हाईवे के पास नकाबपोश अपराधियों ने हमला कर चाकू मार पास में रखे लगभग 4 लाख रुपए के आभूषण लूट चलते बने। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचे हरदिया मुखिया प्रतिनिधि प्रभुनाथ सिंह, समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने जिला प्रशासन से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। दुकान बंद करके आ रहे थे। कहाँ से? वो बैसाखी बाजार से। किस चीज का दुकान था? सोनार का, सोने ज्वेलर्स का। अब कहाँ पे हादसा हुआ? ये हादसा हुआ आप बैसाखी और मापुर के बीच में। क्या कितना पैसा था, क्या कितना लूट? ये अमाउंट तो वही बता सकते हैं, हम लोग कैसे बता सकते हैं? कहाँ रहने वाले हैं? ये है सुवान के अपना बेलाता पोखरा पर के। क्या नाम है उनका? उनका मोनू कुमार सोनी। मोनू कुमार सोनी जो बैसाखी में उनका सोना चांदी की दुकान है, अपना दुकान बंद करके आ रहे थे, तभी ने अपराधी ने 2 मोटरसाइकिल से आए और हाथ लगा के उनको हमला की। 2 छुरा मारने का काम जो पेट में लगा है, उनको पीछे भी लगा है। निश्चित तौर पर वो जीवन और मौत से जी रहे हैं। और वहाँ पर जो घटना घटा है, आए दिन इस तरह की घटना घटती है, कभी लूट हो जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जगह बना हुआ है, अपराधी का जून बना है, उसको कैसे निपटाया जाए, कैसे उसका निदान हो, इसका व्यवस्था की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति घायल हो गया है, उसको अविलंब हम लोग यहाँ प्रथम उपचार करा के पटना भेजवाने का काम किया है। जो भी व्यक्ति इसमें है, जो क्राइम किया है, उसको अविलंब गिरफ्तार करने के मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। अरे रास्ता में हाईवे के बगल में कुछ असामाजिक तत्वों ने मैंने हमला बोल दिया इन पर, और सामान वामान छीन लिया है। सोना का कहना था लगभग 4 लाख के साथ। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।